नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। पति की लंबी उम्र की कामना के साथ जरूर सुने करवा चौथ की ये व्रत कथा। करवा चौथ का पावन व्रत 28 अक्टूबर रविवार को आ रहा है। ये व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। मुख्य रूप से ये व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए होता है। स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और घर में सुख शांति के लिए ये व्रत करती हैं। व्रत कथा का महत्व। करवा चौथ की व्रत कथा का पौराणिक अत्यधिक महत्व है। ये कथा सर्वप्रथम भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई थी और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को सुनाई थी। ये व्रत युग युगांतर से चला आ रहा है। उत्तर भारत में पंजाब, राजस्थान, मारवाड़ा, उत्तर प्रदेश, ब्रज में रखा जाता है। अब तो ये व्रत हर प्रांत में रखा जाने लगा है। व्रत कथा। हमारे दिव्य भारत के इंद्रप्रस्थ नगर में शर्मा वेद नाम के एक प्रकांड विद्वान रहते थे, जिनकी बड़ी ही सुशील स्त्री थी, जिसका नाम लीलावती था। दोनों धर्म कर्म में पूर्ण थे, प्रभु भक्ति में सदा मगन रहते थे। उन पर प्रभु की कृपा हुई, संतान का सुख जी भर पाया। एक बेटी और सात बेटे थे। सात भाई की एक बहन थी, उसका बड़ा आदर करते थे और सबकी लाडली थी। उसका नाम वेदवती रखा गया। समय अंतराल में सात भाइयों की सात बहुएं आईं, वो भी वेदवती से बड़ा प्रेम रखती थीं। समय निकलते देर नहीं लगी, वेदवती नव यौवना हो गई। उसकी आंखें नील कमल सी और सौंदर्य का भंडार थी। पिता और सभी भाइयों ने मिलकर वेदवती के लिए एक योग्य वर ढूंढा, जो वेदों का प्रकांड विद्वान था। बड़े ही धूमधाम से वेदवती का विवाह हुआ और वेदवती अपने ससुराल चली गई। परंतु गोहना नहीं हुआ था तो अभी तक दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे का मुख दर्शन नहीं किया और वेदवती को फिर अपने पीहर आना पड़ा। और समय के चलते एक दिन करवा चौथ का आ गया। अपनी सातों भाभियों के साथ वेदवती ने भी करवा चौथ का पावन व्रत बड़ी ही निष्ठा से किया। दिन भर पूजन भजन आदि प्रभु का गुणगान किया और जैसे ही समय बीता, सांझ का समय हुआ, तो भूख देवी ने अब वेदवती को परेशान करना शुरू किया। वेदवती भूख से बेहाल हो गई। अपने बहन की यह स्थिति सातों भाई से देखी न गई। उन्होंने एक उपाय किया, अग्नि प्रज्वलित करके चंद्रमा सा दृश्य बनाया और अपनी बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, बहन अर्घ देकर भोजन कर लो। तो वेदवती ने कहा कि सारी भाभियां नहीं आएंगी पूजा करने, तो भाइयों ने कहा कि उनका चंद्रमा बाद में निकलेगा, तुम छोटी हो ना तो तुम्हारा जल्दी निकल गया। इस प्रकार से बहला दिया, वेदवती ने पूजा करके भोजन ग्रहण किया और जैसे ही भोजन के हाथ धोए, एक दूत दौड़ा आया कि वेदवती का पति अचानक बैठे बैठे गिर गया और बेहोश हो गया। जब देखा तो पता चला कि उसके प्राण निकल गए हैं। जैसे ही वेदवती ने सुना तो वैसे ही मूर्छित हो गई। तभी सभी भाइयों को समझ आया कि ये हमारी गलती से हुआ है। जब वेदवती को होश आया तो वो अपने पति के पास पहुंची, उसके चरणों में प्रणाम करके पति के सर को गोद में रखा और रुदन करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, आज करवा चौथ के दिन आपने मुझसे मेरा सुहाग क्यों छीना। और जिद करके बैठ गई कि जब तक भगवान मुझे अपने पति को वापस नहीं लौटा देंगे, तब तक मैं जल अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। भगवान को मेरे पति को जीवित करना ही होगा। इस प्रकार से एक पतिव्रता के दृढ़ संकल्प को देखकर भगवान भी डरने लगे और सभी ने अपनी शक्ति अर्थात अपनी पत्नियों को वेदवती को समझाने के लिए भेजा। सभी ने समझाया कि अब कुछ नहीं हो सकता, काल पर किसी का बस नहीं है, अब तुम्हारा पति जीवित नहीं हो सकता। वेदवती ने पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसके फलस्वरूप करवा चौथ के दिन मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। तब भगवान ने सारा दृष्टांत सुनाया, तुम्हारे भाइयों के कारण ही तुम्हें ये दुख झेलना पड़ा, लेकिन तुम और तुम्हारे भाई दोनों ही निर्दोष हैं। अब तुम अपनी इज्जत छोड़ दो, काल को मंजूर था वही हुआ। जब कोई समाधान नहीं मिला, भगवान की पत्नियों को वेदवती अपने दृढ़ संकल्प पर अड़ी हुई लगी, तो वो सब इंद्र के पास गईं। इंद्र को भी डर लगने लगा कि कहीं उनका सिंहासन न छिन जाए, तो इंद्राणी को समझाने भेजा। इंद्राणी ने कई प्रकार से समझाया, पर अपनी जिद पर अड़ी वेदवती ने इंद्राणी की भी नहीं सुनी और पूछा कि मैं अपने स्वामी को जीवित चाहती हूँ, यदि मैंने पूर्ण निष्ठा से करवा चौथ का व्रत किया है। तो इंद्राणी से कहा कि तुम ऐसे ही प्रभु की भक्ति करती रहो और जब भी अगली बार करवा चौथ आए तो पूर्ण श्रद्धा से व्रत करना, जिससे प्रभु तुम पर और तुम्हारे पति पर कृपा करेंगे। तब वेदवती ने पूछा कि एक वर्ष तक मेरे पति की देह को कैसे संभालूं। तो भगवान ने कृपा की, एक वर्ष तक देह वैसी की वैसी ही रही और अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तो पूरी निष्ठा से वेदवती ने व्रत और चंद्रमा को अर्घ दिया। फलस्वरूप वेदवती का पति जीवित हो गया। इस प्रकार से जो भी सुहागिन स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है, उसे अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है।
हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।